हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीए अभ्यास ऐप जो है ना, उस ऐप से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू नीट एग्जाम। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज जो हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उनमें ये तीन कॉन्सेप्ट्स बेसिकली हम लोग स्ट्रेस देंगे, डायमेंशन फॉर्मूला, एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया इज अल्फा, देन द रिलेटिव एरर, यहाँ पे आर एक है रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज। ठीक है, अब देखिए सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³। तो रिलेटिव एरर इन जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 δr/r। ठीक है, बट ये क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ अल्फा है अल्फा आर। तो यहाँ से δV/V कितना आएगा, मतलब रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, वो हो जाएगा 3 δr/r। ठीक है, 3 δr/r। हमको भी पूछा क्या है, हमको यही निकालना है, हमको निकालना है δV/V, दिस इज आस्क, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये δr/r का वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, बट हमको पता है कि 2 δr/r अल्फा है, तो यहाँ से δr/r का वैल्यू कितना आ जाएगा, α/2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 टाइम्स α/2, तो मतलब 3α/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं? अच्छा, अब नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट। ठीक है, अब देखो जो रेजिस्टेंस है वो हो गया वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, है कि नहीं? रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पूछा है, तो वोल्टेज क्या हो गया, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, और यहाँ पे नीचे हो गया करंट। ठीक है, अच्छा देखो करंट जो होता है वो चार्ज डिवाइड बाय टाइम होता है, तो मतलब चार्ज की यहाँ पे मैं करंट इंटू टाइम लिख सकता हूँ। सो ये जो हो जाएगा W/I²t हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अब हमको चाहिए रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा ML²t−1। ठीक है, नीचे हो गया करंट I² और टाइम का t हो गया। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ML²t−3 और इधर हो गया I²2, ML²t−3 I²2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, ML²t−3 I²2, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए ब्लॉक आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल। तो लेंथ ये है, ब्रेथ और थिकनेस का वैल्यू दिया है, तो ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है मतलब वो एरर है। ठीक है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। अब हमको पता है कि δL/L क्या है, दैट इज द रिलेटिव एरर इन लेंथ। सो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो परसेंटेज एरर इन लेंथ आएगा, है कि नहीं? सो कितना है, वो हो जाएगा आपका δL का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.01, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15.12 × 100। ठीक है, सिमिलरली δB/B × 100, ये हो गया परसेंटेज एरर इन ब्रेथ, वो कितना हो जाएगा, δB का वैल्यू कितना दिया है, 0.01, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10.15 × 100। ठीक है, सिमिलरली δT/T × 100 इज इक्वल टू δT का वैल्यू 0.01, और t का वैल्यू हो गया 5.28 × 100।
ठीक है, तो इनको अगर सिंपलीफाई करोगे आप, तो मैंने ये वैल्यू सिंपलीफाई करके रखे हैं, तो आप थोड़ा मैथ कर लीजिएगा। 0.066 आएगा, ये आएगा 0.098 और ये आएगा 0.19। ठीक है, अब हमको पूछा है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो लेंथ ब्रेथ और थिकनेस में हमारा परसेंटेज एरर मालूम है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, सो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। मतलब बेसिकली हमको ये सारे क्वांटिटीज ऐड करने हैं, तीनों क्वांटिटीज, है ना। सो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 दैट इज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 0.37, तो 0.37%। ठीक है, तो जीरो सॉरी नॉट 0.37, 35 आएगा। ठीक है, 0.35%, 0.35%, मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। अब ये तो यार कॉमन चीज है कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है इसमें, ये होता है सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला मिला हो ना, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर भूल गया तो देख लो, इसको मैं लिखता हूँ μ0 बाई 4π इंटू 4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो क्वांटिटी जो दिया हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अच्छा, तो μ0 बाई 4π क्या होता है, μ0 बाई 4π कितना होता है, 10⁻¹। ठीक है, और 1/4π एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, सो दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁻¹। सो इसका मतलब 1/μ0 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9 × 10⁻¹, तो इसको लिखते हैं 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है नहीं। तो मतलब हमको सी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला पता लिखना है। अब सी क्या है, सी का डायमेंशन फॉर्मूला है एल टी इनवर्स 1, तो इसका मतलब सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और आगे एक एम जीरो लगा दिया। ठीक है, एम जीरो एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये सारे फंडामेंटल यूनिट अगर हो गए, सी हो गया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, तो डायमेंशन ऑफ टाइम पूछा है इन द न्यू सिस्टम। ठीक है, तो टाइम को मैं लिख सकता हूँ टाइम प्रोपोर्शनल टू सी पावर अल्फा जी पावर बीटा जी पावर बीटा एंड एच पावर गामा। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी पावर अल्फा जी पावर बीटा एच पावर गामा। ठीक है, सो डायमेंशन, अब इसको अगर डायमेंशन फॉर्मूला में लिखेंगे तो यहाँ तो टाइम टाइम का तो टी हो गया। ठीक है, यहाँ पे टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला इधर लेफ्ट साइड हो गया टी, और राइट साइड सी मतलब एल टी इनवर्स 1, सो एल टी इनवर्स 1 रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, अब जी, अब देखिए एफ इज इक्वल टू होता है जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, तो इसका मतलब जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय M1 M2, तो एफ हो गया आपका एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो गया एम स्क्वायर, तो मतलब M-1 L³ टी इनवर्स 2। ठीक है, तो ये जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, तो जी का हो गया M-1 L³ टी इनवर्स 2। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो इसका मतलब एच इक्वल टू ई वाई न्यू, सो एनर्जी हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और फ्रीक्वेंसी हो गया टी इनवर्स 1, तो इसका मतलब ये एम एल स्क्वायर
टी इनवर्स वन, ठीक है। सो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स वन रेज टू पावर गामा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं ऐसे, एम जीरो एल जीरो टी पावर वन इज इक्वल टू एम, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा एक था, तो एम यहाँ पे माइनस बीटा प्लस गामा, एल अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस टू गामा, टी माइनस अल्फा माइनस टू बीटा माइनस गामा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये सिंप्लीफाई करके आप लोग देखिएगा तो आपको मिलेगा अल्फा की जगह पे मिलेगा आपको, अल्फा की जगह पे माइनस फाइव बाई टू आएगा, ठीक है। बीटा आ जाएगा आपका वन बाई टू और गामा आ जाएगा वन बाई टू, ठीक है। सो अल्फा आ गया फाइव बाई माइनस फाइव बाई टू। अल्फा किसका पावर था? सी का, सी का पावर, सी का पावर, सी का पावर यहाँ पे है, सी का पावर माइनस फाइव बाई टू यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसी को एक, कोई एक मिल गया तो बाकी सब तो मिल जाएगा, ठीक है। सी का पावर माइनस फाइव बाई टू, सी का पावर अल्फा था कि नहीं, तो अल्फा गया, बीटा हाफ बाई हाफ है, गामा भी हाफ है, बाकी दो तो हाफ है यहाँ पे, दोनों हाफ है, ठीक है। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, एन एथलेटिक कोच टोल्ड हिज टीम दैट मसल मल्टीप्लाइड बाई स्पीड इक्वल टू पावर, तो वॉट इज द डायमेंशन ऑफ मसल। तो यहाँ पे मसल एम लिख रहा हूँ मैं इंटू स्पीड, स्पीड हो गया एल टी इनवर्स वन, ये एम एस लिख रहा हूँ, मसल इज इक्वल टू पावर, पावर हो गया कितना, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, सो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स थ्री, तो इसका मतलब एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स थ्री डिवाइड बाई एल टी इनवर्स वन, तो मतलब एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। टॉर्क और वर्क डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, टाउ इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एफ, ठीक है। और वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, और यहाँ पे भी सेम ही आएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, ठीक है। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कोई एक भी फॉर्मूला यूज कर लो, एफ स्टोक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई आर ईटा वी, तो सिक्स पाई तो कांस्टेंट है, इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। फोर्स हो गया आपका एम एल टी इनवर्स टू, ठीक है। और इधर हो गया आर मतलब एल, ईटा जो चाहिए हमको, और वी हो गया एल टी इनवर्स वन, ठीक है। तो ईटा हो गया एम एल टी इनवर्स टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर टी इनवर्स वन, सो मतलब एम एल इनवर्स वन टी इनवर्स वन, एम एल इनवर्स वन टी इनवर्स वन, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा दिख रहा है हमको, हमको ऑप्शन थ्री दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, द फंक्शन यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू टू पॉइंट कितने जीरो है, तीन जीरो वन, चूज द क्लोज वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ टू प्लस, जो ये x का वैल्यू 2.001 है ना, तो 2 प्लस 0.001 होल क्यूब,
ठीक है, तो यहाँ हम लोग को, यहाँ पे मैंने डेल्टा वाई क्या लिखा है, मतलब वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स क्यूब है तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x² डेल्टा एक्स। ठीक है, सो 3x² डेल्टा एक्स मतलब 3x² एक्स क्या है, 2 है, सो 3 × 2² और फिर 0.01, 0. सॉरी एक और जीरो था यहाँ पे, 01, 0.001, ये डेल्टा एक्स हो गया, दिस इज डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा वाई का वैल्यू आ जाएगा 0.01, 0.0012। ठीक है, तो वाई प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, वाई 2 है, वाई का वैल्यू एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 2 क्यूब मतलब कितना होता है, 8। तो वाई प्लस डेल्टा वाई मतलब 8 प्लस 0.0012, सो मतलब 8.0012, ऑप्शन 3। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वाई इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस 0.001, 3 0 है यार, बार बार गलती कर रहा हूँ, 3 0 1। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमको ये वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना 2.001। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू 2³, अंदर हो गया 1 प्लस 0.0001/2, ये ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी थ्योरम अगर यूज करते हैं तो वाई इज इक्वल टू 8, 1 प्लस 0.0003/2। ठीक है, इसको भी अगर सिंप्लीफाई करते हो तो यही वैल्यू आता है, 8.0012। ठीक है, सो दोनों से ये सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू सी, ठीक है, अब 1/√ ऑफ एल इंटू सी ये क्या था, ये ओमेगा था। ठीक है, तो इसका मतलब अब स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू सी क्या होगा, 1/ओमेगा होगा, तो डायमेंशन ही क्या होगा, टाइम। ठीक है, अब ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से ये होगा, थोड़ा सा समझदारी दिखाना। ठीक है, तो टाइम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 2.1 ± इतना 0.05 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू 4π r², सो 4 × 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ, 2.1 स्क्वायर। ठीक है, और फिर डेल्टा एस बाय एस कितना होगा, डेल्टा एस बाय एस 2 δr/r होगा। ठीक है, 2 δr/r मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू 2 δr/r इंटू एस। ठीक है, अब यहां से इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है, आप लोग देखिएगा 55.44 आता है। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो आपका 2 δr मतलब 0.05, आर मतलब 2.1 और सरफेस एरिया मतलब 55.44। ठीक है, सो डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ पे आएगा 2.64। ठीक है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा एस प्लस माइनस डेल्टा एस, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 55.44 प्लस माइनस 2.64। ठीक है, अच्छा कहानी यहाँ पे असल में इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम लोग सरफेस एरिया जब कैलकुलेट करते हैं ना वहीं पे असल में कहानी खत्म हो जाता है, क्योंकि 55.44 हमारे पास सरफेस एरिया आ रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया जो आंसर होगा वो सरफेस एरिया प्लस माइनस डेल्टा एस होगा। अब 55.44 एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ये निकालने के बाद ही करेक्ट आंसर आप निकाल रख सकते हैं। ठीक है, चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।